खरगोन जिले के बढ़वा ब्लॉक की करीब 24 ग्राम पंचायत क्षेत्र में 14वें वित्तीय आयोग के माध्यम से कसरावट ठेकेदार दिलीप यादव द्वारा एलईडी लाइट लगाई गई है, जो एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 30 नग के हिसाब से लगाई गई है। इस एलईडी लाइट लगाने का कार्य जनपद पंचायत तकनीकी स्वीकृति जारी कर किया गया है। आपको बता दें कि इस एलईडी लाइट की जनपद टीएस अनुसार एक नग की कीमत 6,615 रुपये के हिसाब से होकर 2 साल की वारंटी भी है, जबकि ग्राम पंचायत सिरलाय के सचिव राकेश सटवारे का कहना है कि मेरी पंचायत क्षेत्रफल अधिक होने से मेरी पंचायत में 30 एलईडी लाइट लगाने के उपरांत करीब 15 एलईडी लाइट बाजार से खरीदी गई है, जिसका बाजार मूल्य 1300 रुपये है, जिसकी 2 साल की वारंटी है। जब ठेकेदार दिलीप यादव से एलईडी के भाव का अंतर जानना चाहा, तो उन्होंने विद्युत कंपनी का हवाला देकर एस्टीमेट देने की बात कही, जबकि विद्युत कंपनी के कनिष्ठ यंत्री अनिल केसरवानी का कहना है कि हमारे द्वारा अनुमानित एस्टीमेट बनाकर संबंधित को दिया गया था। जब इस मामले में प्रभारी खंड अधिकारी सियाराम कर्मा ने जानकारी चाही, तो उन्होंने भी विद्युत कंपनी द्वारा दिए एस्टीमेट पर टीएस जारी करने की बात कही, जबकि ग्राम पंचायत नांदिया सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम परिहार ने बताया कि मेरी पंचायत में भी इस कार्य को करने का ठेकेदार द्वारा बोला गया था, किंतु मेरी पंचायत के पूर्व में ही मेरे द्वारा बाजार से 1600 रुपये के हिसाब से 30 वाट की एलईडी लाइट लगवाई गई है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये 14 वित्त आयोग से टीएस तकनीकी सिद्धि होकर ग्राम पंचायतों में लगी गई। किसके आदेश पर लगी है? ये अपने जनपद पंचायत से ही आदेश हुए। ये किन्ने दिए थे आदेश? मुख्य कार्यपालिकारी जनपद बढ़वा, उन्हीं ने करे। तो ये कितनी राशि से लगी है? अब ये तो जानकारी नहीं मिली। तो ये अन्य पंचायतों में भी लगेगी क्या? और अन्य पंचायतों में भी लग सकती है ना, राशि उपलब्ध होकर लगा। इसका एस्टीमेट किसने दिया था? एस्टीमेट जनपद द्वारा मिला। ये पंचायत विभाग वालों ने एक जानकारी हमसे मांगी थी कि जो ये एलईडी है, ये आपके पास एसओआर में है कि नहीं। मैंने हमसे उनको जानकारी दिया था, ना कि कोई एस्टीमेट पास करके दिया था, क्योंकि हमारा एस्टीमेट बनाने का वो हस्तक्षेप ही नहीं है। एमपीपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनपद और ग्राम पंचायत के स्तर का कार्य है, एमपीपी का कोई हस्तक्षेप नहीं। इसमें सर जो संबंधित ठेकेदार है वो कह रहा है कि हमको एमपीपी ने बना के एस्टीमेट दिया है 7000 कुछ रुपये का। वो एस्टीमेट नहीं है, वो एक प्रोविजनल एस्टीमेट के नाम से है, मतलब एक जानकारी है सिर्फ कि इस कोडिंग में हमारे पास ये मटेरियल रहता है और ऐसा ऐसी जानकारी दी गई है। मतलब नहीं, वो वाली नहीं लगी है हमारे यहाँ। तो हमने 1 साल पहले ही एलईडी हमारे गांव में पूरे लगा दिए हैं, पहले से ही लगी है। कौन सी कंपनी की लगाई है आपने? कितने वाट की है? ये 30 वाट की है। कितने की पड़ी है? ये 1600 रुपये का एक है 30 वाट का। अच्छा। और 25 नग लगे हैं हमारे यहाँ। अच्छा। बाकी बल्ब भी लगे हैं। आपको भी बोला गया था ये लगाने का? नहीं, मुझे नहीं बोला गया। अच्छा। क्योंकि मेरे यहाँ पहले से लगी हुई है, 1 साल पहले लगा दी। ये हमारे पास एक ठेकेदार साहब आए थे, उन्होंने माननीय विधायक मोदी जी का नाम लिया था कि सचिन बिल्ला जी के जो क्षेत्रीय विधायक बढ़वा 23 पंचायतें हैं वहाँ पर सभी दूर लगना है तो एलईडी बल्ब और स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायतों में, तो उनके नाम से उनको बताया था, तो हमने एक टीएस जारी करवाई शासन के द्वारा और फिर वहाँ पर सभी ग्राम पंचायतों में और मेरी पंचायतों में भी एलईडी बल्ब। कितनी लगी आपके? मेरे यहाँ 30 बल्ब लगाए। तो ये पूरी पंचायत कवर हो गई थी? नहीं। तो फिर एक्स्ट्रा के लिए क्या करा आपने? एक्स्ट्रा सर मैंने फिर करीबन ग्राम पंचायत बड़ी है और ये बल्ब कम लगे थे, तो 10-15 और जरूरत थी, मैं 4-5 बाजार से खरीदी थी। क्या रेट के मिले थे ये? वो करीबन 1500 या 1300 की लगभग कीमत थी, तो वो मैंने खरीद के और लगवाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।